सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर तो क्या विचार है? इससे बड़ा गरीबों का महामारी की संभावना मैंने दिख रहा है लोग की एकदम। अब सरकार खोल दे, अब सरकार खोल दे, हर 15 दिन पर मैंने आगे बढ़ रहा है डेट। इसके लेके कितने गरीबों का कार्ड नहीं है, जितने भी कार्ड पहले का बना हुआ है तो सब लोग अमीर आदमी का है। सरकार बोल रहा है कि भाई झुकी झोपड़ी वाला का कार्ड देना चाहिए, जितने पक्के वाला मकान है सबका कार्ड है, झुकी झोपड़ी वाला बेचारा तो रोड पर घूम रहा है। इससे सरकार की स्थिति बहुत थी कि कोई भी जनता का केवल पेपर में ही आ रहा है, जनता को मिल नहीं रहा है। राशन कार्ड वगैरह में क्या समस्या आ रही है? राशन कार्ड में समस्या आ रही है कि वो तो आए दिन देख रहे हैं, रामविलास पासवान जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को सूची ही नहीं दे रहा है तो कार्ड कहाँ से बनाएंगे, हम कार्ड नहीं बनाएंगे। यहाँ राज्य सरकार कह रहा है कि फार्म भरिए हम कार्ड बनाएंगे, इससे गरीब अनाज की व्यवस्था ना करके कार्ड बनाने के लेके अपना फोटो स्टेट 4 बार 5 बार ब्लॉक में गया, जीविका दीदी को दिया, लेकिन उससे कोई अभी तक नहीं अथी रहा। जैसा कि कई वार्डों में सुनने को मिल रहा है कि डीलर लोग मनमानी कर रहे हैं, सही तरीके से अनाज नहीं दे रहे हैं लोगों को, आपके वार्ड में कैसा है? हमारे वार्ड में ठीक ठाक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैंने कोई अभी तक कस्टमर आके ऐसा शिकायत नहीं दिया कि अनाज नहीं ढंग से मिल रहा है। मिल रहा है ढंग से, कोई कह रहा है कि मैंने पैसा लेते हैं ज़्यादा, तो अब लिखित उनके पास रहेगा तभी हम कुछ एक्शन लेंगे। अब आप वहाँ से राशन ले रहे हैं, कितना का मिल रहा है आप वहाँ से लिखवा के लाइए, तो कुछ किया जाएगा। सुनने में है कि आपने भी कुछ गरीब तबके लोगों को अनाज वितरण किए हैं। हाँ, हमारे तरफ से जितना भी समर्थक हमारा है, जैसे उन लोगों को मिला जुला के अपने में चंदा करके करीब करीब 350 व्यक्ति को हमने अनाज व्यवस्था किया। बाद भी यहाँ संक्रमण की बढ़ती ही जा रहा है, क्या सुझाव देंगे सरकार को? सरकार को तो सुझाव देना ये है कि गरीब को कुछ व्यवस्था करके अच्छा से मैंने लॉकडाउन का पालन करवाया। अब कोई भूखा रहेगा तो वो रोड पर निकलबे करेगा। आज जैसे कि मैंने हम सरकार से पहले बोले थे कि ये जो राशन कार्ड वा है उनका 1000 ना देके जिनका राशन कार्ड नहीं है उस गरीबों को अगर दिया जाए, उससे वो कुछ अच्छा लॉकडाउन के पालन होता। अब गरीब के पास है नहीं तो क्या करेगा? जिला प्रशासन की ओर से कैसा सहयोग रहा है आपके वार्ड? जिला प्रशासन के ओर से सहयोग अच्छा रहा, उन्होंने हर तरह के मैंने हमारे कहने पर निगम को भी सेंट्राइज के लिए जबरदस्ती मने थी, जय भर चाहे तय भर हुआ। कोरोना के देखते हुए हमारे मोहल्ले में एक महिला को निकल गया था, उसके लेके जिलाधिकारी से बात हुआ, बहुत अच्छा किए। क्या बताएंगे सभी दर्शक अब टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ सुझाव दीजिए कि इस महामारी से बचने के लिए क्या करें हो? इस महामारी से बचने के लिए यही हम कहेंगे कि जितना भी है पेट तो मानेगा नहीं, लेकिन दूरी बना के ही जनता अपना जीवन पाले। जब तक सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है तो मजबूरी है कि अगर नाई अपना बाल नहीं काटेगा तो उसका अनाज कहाँ से मिलेगा, कैसे चलेगा, उसका कार्डे नहीं है तो इसके लिए तो मैंने समस्या है। जितने ठेला वाले हैं, अब चाय बेचने वाला बेचारा सब्जी बेच रहा है, उस सब्जी उसका पर डे मैंने अधिक करने के बाद तो 50 रुपया का प्रॉफिट उसका हो रहा है, सब लोग तो सब्जियाँ बेचने लगा। तो इस तरीके का सरकार को भी चाहिए जनगणना करे अच्छी तरह से, जो जिसका हालात जैसा है उसके देखते हुए। सरकार से क्या अनुरोध करेंगे, जिला प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जिला प्रशासन महोदय से हमें यही कहना चाहते हैं कि जो भी जीविका दीदी हैं किस तरीका से सर्वे कर रही हैं, इन पर अपना अंकुश बनाएं, ढंग से कराएं। अपना पूरा परिचय दें। हमारा नाम हुआ राजेश कुमार, वार्ड नंबर 38, पार्षद प्रतिनिधि।